हमीरपुर में एचआरटीसी बस रूट पर परिचालक नवीन के साथ मारपीट करने वाला अश्विनी कुमार, जो कि मानसिक रूप से परेशान है, आज बस स्टैंड परिसर में परिचालक यूनियन ने अश्विनी कुमार की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के बजाय यूनियन के समक्ष पैर छूकर माफी मंगवाने के लिए बुलाया था, जिसके बाद अश्विनी कुमार ने यूनियन के समक्ष परिचालक नवीन से माफी मांगकर दोनों के बीच समझौता करवाया। वहीं परिचालक नवीन का कहना है कि मैं पिछले 2 दिन पहले एचआरटीसी बस में अपने घर जा रहा था। उसी बस में अश्विनी कुमार भी मेरी आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। जब मैंने बस का शीशा खोला तो उसने शीशा बंद कर दिया। जब मैंने उससे शीशा बंद ना करने के लिए कहा तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और उसके बाद मारपीट करने लगा। नवीन ने कहा कि अश्विनी कुमार मानसिक रूप से परेशान है, जिसे देखकर मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की थी। सोमवार को बस स्टैंड परिसर में अश्विनी कुमार ने यूनियन के सामने पैर छूकर माफी मांगी और समझौता कर लिया है। वहीं परिचालक अरुण का कहना है कि वर्तमान में ऐसा फिर होता है तो उसके खिलाफ प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एचआरटीसी प्रबंधन को भी चालक व परिचालकों का साथ देना चाहिए। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से विजय ठाकुर की रिपोर्ट। बस में जा रहा था, घर जा रहा था रेस्ट के लिए, तो जो अश्विनी नाम का लड़का है उसने लड़ाई की। मैं विंडो खोल रहा था और उसने आगे से विंडो बंद कर दी पूरी, तो इस वजह से उसने मार पिटाई कर दी। अब वो यहाँ गलती मांगने के लिए आया था, मतलब उसने सॉरी मांग ली और पैर पकड़े यहाँ की पार्टी के लिए, ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो मैंने इसकी FIR करवाई थी और हमने उसको यहाँ माफ़ी, मतलब उसने सारे स्टाफ के सामने मांगी, जो भी यूनियन थी उसके सामने माफ़ी मांगी और समझौता हो गया हमारे दोनों के बीच। और उसने पैर पकड़ कर बोला कि आइंदा वास्ते ये काम नहीं होगा, FIR भी होनी चाहिए उनके लिए। और अगर ये तो मेंटली डिस्टर्ब था बंदा, इसलिए इसको छोड़ दिया। ये तो मतलब यूनियन ने बोला कि ठीक है, इसने माफ़ी मंगनामा यहाँ मांग लिया और पैर पर पकड़ के इसको छोड़ दिया। अगर कोई बंदा ठीक होगा तो उसकी तो सीधी FIR होनी चाहिए। जो भी अगर हमारे ड्राइवर मित्र भाइयों के लिए मार पिटाई करेगा उसके लिए FIR। लोगों का काम होता है, मतलब कोई 100 में से 80% बंदे अच्छे मिलते हैं हमें, और 20% जो लोग होते हैं वो ऐसे करते हैं, चाहे वो किराए की बात हो चाहे वो आपस की बात हो। मतलब कि जब हमारा भी बात साथ नहीं देता तो इनको पता होता है ये तो हमारे ऊपर चढ़ते हैं। फ्यूचर में सर हमारी यही डिमांड है कि कभी हमारे साथ या किसी और भाई के साथ, चाहे वो ड्राइवर है चाहे वो कंडक्टर है, फ्यूचर में कभी ऐसी दुर्घटना होती है या घटना होती है तो प्रशासन को उसके खिलाफ कड़े से कड़ा संज्ञान लें, ताकि हमारे जो पूरा स्टाफ है, HRTC का स्टाफ है, उनको इस तरह की मुसीबत में उन्हें ऐसा नहीं लगे कि वो अकेला पड़ गए हैं। हमारे प्रबंधन को भी हमारे साथ चलना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए इसके लिए। विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पालमपुर की 11वीं वर्षगांठ पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।